बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, री एमडीकैट के हवाले से गाइडलाइंस के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी, तो उस हवाले से कुछ अहम बातें हम शेयर कर लेते हैं। दो बातें इसमें बहुत अहम है इस टाइम के, इतने कम टाइम में हम क्या तैयार करें और कैसे तैयार करें। मैं तो अभी स्पेसिफिकली इंग्लिश के हवाले से बात करूँगा और इंग्लिश के पेपर को हम लेके ये समझेंगे कि जब एक पेपर आपके सामने आता है तो आपके पास क्या स्टेप्स हैं, किस सेक्शन को, किन स्टेप्स को फॉलो करके आपने कंप्लीट करना है और अपने मैक्सिमम मार्क्स लेने हैं। सबसे पहला सेक्शन है सेंटेंस कंप्लीशन का। सेंटेंस कंप्लीशन में देखें, पांच बातें याद रखिएगा। सबसे बड़ी मिस्टेक हम ये करते हैं कि जब उस सेंटेंस को पढ़ते हैं जो एक या दो जगहों से उसको ब्लैंक छोड़ा जाता है, लार्जली एक जगह से ही छोड़ा जाता है एमडी कैट में, तो आप उसको पढ़ते कैसे हैं? पढ़ते इस तरह हैं कि हम उस फिक्रे को, अगर मैं कहूँ कि कोई भी सामने फिक्रा आ जाता है, मैं कहूँ इट इज़ आर नेशनल ड्यूटी टू खाली जगह आवर वोट इन द जनरल इलेक्शन, ये जनरल मिस्टेक हम करते हैं कि खाली जगह उसको समझ के पढ़ते हैं जबकि इस तरह हम मीनिंग नहीं समझ पाते। तो इसलिए सबसे पहली टिप ये है कि आप अल्फा प्लेस करेंगे और मीनिंग को समझेंगे। और दूसरी बात कि जब आप हल्का फुल्का मीनिंग समझ जाते हैं, फिर आप प्लेसिंग रिप्लेसिंग पे आते हैं और अल्फा को बीटा से, बीटा को चाली से, चाली को डेल्टा से रिप्लेस करते हैं और एक्सक्लूड करते हैं ऑप्शंस को। यह है तीसरा पॉइंट। सो नंबर वन, प्लेस अल्फा एंड गेट द मीनिंग। नंबर टू, प्लेसिंग एंड रिप्लेसिंग। एंड नंबर थ्री, एक्सक्लूडिंग ऑप्शंस। अब आती है सबसे एसेंशियल बात कि जिस बंदे को एम डी कैट वोकेबुलरी आती है, जिसने अच्छी तरह तैयारी की है, ट्रेनिंग प्रॉपर ली है और ख़ुद भी प्रिपेयर किया अच्छे तरीके से, मैक्सिमम यूसेज देखा है वर्ड्स का कि कहाँ कहाँ पे सोशली इस्तेमाल हो सकते हैं, उसके लिए बहुत इजी हो जाता है और ये तीन स्टेप्स तक पहुँच के वो बंदा कवर कर लेता है, ओके राइट ऑप्शन तक पहुँच जाता है। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल दूँ कि कैसे मैं कह रहा हूँ कि आपको मैक्सिमम यूसेज आना चाहिए वर्ड्स का, तो एक एग्जाम्पल मैं ले रहा था अभी क्लास में भी, शायद किसी में डिस्कस हो रही थी, कोलेट्रल। कोलेट्रल वर्ड है, इसको हम तीन एंगल से यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर म्यूचुअल, और वो तो बड़ा आसान मतलब है म्यूचुअल वाला, लेकिन इसके अलावा दूसरा मतलब है आपकी एंसेस्ट्री में जो आपके कजन्स होते हैं उनको भी हम कह देते हैं, और सबसे अहम मीनिंग है आपका वो जो आप पॉनिंग के हवाले से कहते हैं, गारंटी के हवाले से जो आप कहते हैं कि कोई चीज़ आप गिरन रखवाते हैं कर्जा लेने के लिए, अपनी ज़मीन गिरन रखवा देते हैं लोग, तो उसको भी कोलेट्रल कहते हैं। तो अब इसके तीनों मीनिंग आने चाहिए। इस तरह हमारे पास बहुत सारे और वर्ड्स हैं जिनके एक से ज़्यादा मीनिंग है, तो वो जो सोशल मीनिंग आपका अटैच होता है उस वर्ड के साथ, वो आपको अच्छी तरह आना चाहिए, उस पर कमांड होनी चाहिए, तब जाके आप ये जो वोकैबुलरी वर्ड है वो उसको सेंटेंस कंप्लीशन को 20 out of 20 ले सकते हैं। अच्छा, अगर फिर भी फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ये नहीं पता चल रहा, फिर आप नंबर फोर पॉइंट पे आ जाते हैं और वो है कीवर्ड्स को अप्लाई करना। कीवर्ड्स को अप्लाई करने के लिए आप उस सेंटेंस में जो आपको दिया गया है सामने एमसीक्यू में, उसमें कोई ना कोई ऐसा पहलू देखेंगे, ऐसा कोई फ्रेज लगा होगा, ऐसा कोई कीवर्ड मौजूद होगा जो आपको गाइड कर रहा होगा कि बेस्ट सूटिंग जो आंसर है वो कौन सा। और इसकी एग्जाम्पल के तौर पर हम कोई भी सेंटेंस उठा लें, मेरे अपने पास पेपर्स का ये खुला हुआ है, 2014 का पेपर खुला हुआ है, इसमें से 18 का, शी इज इंटेलिजेंट एनफ टू पिक थिंग्स टू सर्व हर ओन पर्पस, टू गिव थिंग्स टू सर्व हर ओन पर्पस, टू मैन्यूवर थिंग्स टू सर्व हर ओन पर्पस। अल्फा और बीटा तो आपको लगा कि इतने की सूट नहीं करे, लेकिन आप अपने दिमाग पे इतना बोझ नहीं डालेंगे कि जी लेके ही बैठ जाएंगे, प्लेसिंग रिप्लेसिंग पे फौरन चले जाएंगे और आपका माइंड खुद ही कंपैरिजन करना शुरू कर देगा कि ये बेटर उससे है, ये उससे बेटर है, और इवेंचुअली आपको एक जगह पे हंच आएगा कि ये जो मनूवर अगर आपने पढ़ा हुआ है, साफ जरा पढ़ के ही जाएंगे, ऐसे तो नहीं जाएंगे। तो मनूवर का मतलब होता है ट्रिकी वे से कोई काम करना और थोड़ा चाल चलना, जैसे जो आप चेस खेलते हैं उसमें भी जो बाजी लगाते हैं उसको भी मनूवरिंग कहते हैं। आर्मी की जो मूवमेंट्स होती हैं वॉर टाइम में, जो वो चालें चलती है कि इसको बटालियन को उधर भेज दो, उसको उधर भेज दो, इसको भी मनूवरिंग कहते हैं। तो मनूवर का मतलब फिनिकल के साथ जुड़ता है, डीवीएस के साथ भी किसी हद पे जोड़ सकते हैं। फिर हमारे पास काफ़ी सारे दूसरे वर्ड्स हैं जिनके हवाले से, एक एंड पे वर्ड हमारे पास है वो जो कौन सा डब्ल्यू से वर्ड है, वेडल, वो भी इसके साथ अटैच होता है। तो इन केस के मनूवर आप जिसको वोकैबुलरी आती है वो फौरन जज कर लेगा, लेकिन अगर नंबर चार पॉइंट पे मैं आ जाऊं कि कीवर्ड्स कहाँ पे हैं जो हमें हेल्प करें इस वर्ड को आइडेंटिफाई करने में, तो देखो पढ़ेंगे यहाँ पे टू सर्व हर ओन पर्पस,
कि अगर वो खातून अपना मकसद निकालने के लिए अपनी इंटेलिजेंस को यूज़ करती हैं, अपनी विजडम को, तो वो थोड़ा सा जैसे फिनिगल वाली बात आती है इसमें, ट्रिकी वे से एक अपना बंदा काम निकलवा रहा होता है। इस वजह से बेस्ट सूटिंग ऑप्शन मनोवर ही है, और डेल्टा में लिखा हुआ टेक वो तो बिल्कुल ही इम्प्रॉपर है। कहने की बात है कि फ्रेंकली स्पीकिंग ज़्यादा अपने दिमाग पे बोझ ना डालें, इन स्टेप्स को फॉलो करें और वोकैबुलरी माइंड में हो, आप राइट ऑप्शन को आसानी से पिक कर लेंगे। अगर मैं कहूँ कि फिर भी नहीं डिसाइड कर पाए, कीवर्ड के तौर पे भी डिसाइड नहीं कर पाए, तो आखिर एक इमरजेंसी पॉइंट बचता है कि आप अपने MDCAT वोकैबुलरी वर्ड, उन चारों में से जो MDCAT वोकैबुलरी वर्ड होगा उस पर निशान लगाएंगे और अल्लाह के हवाले करके आ जाएंगे। अच्छा, अब ये पांचवी बात मैं क्यों कर रहा हूँ, 2010 से लेके अब तक जितने भी 6 और 7 पेपर्स हुए हैं हमारे पास MDCAT के, सब में सेंटेंस कम्प्लीशन में वही ऑप्शन ठीक है जो हमारे MDCAT वोकेबलरी वर्ड से बिलोंग करता है। इसलिए ये जनरलाइजेशन मैं कर रहा हूँ, और ये मैंने अपने पास पेपर्स के एनालिसिस में भी इसको क्लियरली लिखा हुआ है। तो वो जिसके पास नहीं है वो वैसे एक्वायर कर सकता है, इंटरनेट से भी अवेलेबल हैं, और वो कुछ व्हाट्सएप सोर्सेज हैं जहाँ से आप उनको ले सकते हैं। तो वो जो भी एक मटेरियल है मेरा, जैसे वोकेबलरी के ऊपर है, जैसे कंप्लीट बुक्स हैं इंटरमीडिएट की, वो आप इस शॉर्ट टाइम में उनको रिवाइज कर सकते हैं बैठे बैठे घर पे। यानी हाईलाइटेड प्लेसेस हैं जहाँ से आपको पता लग रहा है कि यहाँ से MCQ बन सकता है इस प्लेस से, और उसको आप मेमोराइज कर लें। वो बात की बात है, लेकिन ये 5 पॉइंट्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे अगर आप सेंटेंस कंप्लीशन में 20 आउट ऑफ 20 लेना चाहते हैं। और सबसे मैं फाइनलाइज कर दूं इस बात को, क्या कहें, जो हम क्रोबोरेट कर लेते हैं इससे, वैल्यूएट करके अब हम इसको अपने क्रोलरी तक पहुंच जाते हैं। तो क्रोलरी हमारा ये है इस बात का कि MDCAT वोकैबुलरी आनी चाहिए, जो मर्जी दुनिया इधर से उधर हो जाए, MDCAT वोकैबुलरी, उसका यूसेज और उसके सोशल जो कॉनोटेशन है सारी की सारी आपको हर वर्ड की आनी चाहिए, और ये कुछ ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। और ये तो एक गेम है किस्म की, जैसे हम क्लासेस में करते हैं। तो इंशाल्लाह आप उस पर फोकस रखेंगे, और इन गिवन टाइम में इसको फाइनलाइज करने के लिए आपको प्रेजेंटेशंस रिक्वायर्ड हैं। आप बैठे बैठे जैसे FB पे आप यूज़ करते रहते हैं, अंगूठा चलाते रहते हैं, तो उसको आप बेहतर तरीके से यूज़ कर लें अपने मोबाइल को, और मेरी जो बनी हुई प्रेजेंटेशंस हैं 843 वर्ड्स की, उनको आप बैठे बैठे विद पिक्चर और विद सिनोनिम्स आप अच्छी तरीके से कवर कर सकते हैं, और वो पिक्चर ही आपको क्लियर कर रही होती है कि ये जो इसका मतलब हमारे पास क्या है। अब ड्यूज का मतलब टाई है, जैसे मैच टाई हो जाता है, लेकिन अगर हम कहें कि लॉन टेनिस में एक टर्म है, 40-40 का स्कोर अगर इक्वल हो जाए, उसके बाद जो बंदा 2 शॉट्स ले ले और विन कर लेता है वो बंदा, तो अब वो उस सिचुएशन को ड्यूज कहते हैं। थोड़ा सिचुएशनल होके सोचना पड़ता है कॉन्टेक्स्ट में जाके। अब इसी के साथ एक मिलती हुई टर्म है पार, PAR, पार। तो पार में भी वो गोल्फ की टर्म है, गोल्फ की टर्म है इस तरह की, वह जब 2 लोग खेल रहे होते हैं तो आपस में वो डिसाइड कर लेते हैं कि वो जो जिस डिजायर्ड जो होल तक उन्होंने अपनी बॉल को लेके जाना है, तो दोनों सेम नंबर ऑफ स्ट्राइक्स लेते हैं, कि अगर एक बंदा 5 लेगा तो दूसरा भी 5 लेगा। अब ये जो इक्वालिटी अपेयर होती है इसको फार कहते हैं। तो अब वो हमारे लिए वो भी एक सोशल यूसेज का वर्ड है, तो वो भी इस तरह मेमोराइज करेंगे आप उसको। मैं जरा स्पीड में बात कर रहा हूँ ताकि जल्दी 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 इसको कवर अप करें। अच्छा, दूसरे सेक्शन में हमारे पास है सेंटेंस, सॉरी स्पॉट द एरर। स्पॉट द एरर में ग्रामर आ जाती है, और ग्रामर को डील करने का तरीका हम में से बहुत बहुत कम लोगों को पता है। मैं उसको फोर्सफुली उसको प्रमोट करता हूँ कि ग्रामर इस तरह टॉपिक वाइज नहीं पढ़नी चाहिए, जिस तरह हम शुरू हो जाते हैं वन वन करके अलग अलग। ग्रामर एक बॉडी है, इसको क्यूमुलेटिवली देखना चाहिए, और ग्रामर के कीवर्ड्स को मेमोराइज करके आप उन कीवर्ड्स के साथ जो रूल जुड़े हैं उनको याद रखते हैं। अगर मैं कहूँ कि एंड नॉट बट नॉट टुगेदर विद, अब आपको पता लगना चाहिए कि ये किस ग्रुप से मैं बोल रहा हूँ, किस ग्रुप के कीवर्ड्स हैं, S1 के हैं, S2 के। इसी तरह मैं कोई और वर्ड बोल देता हूँ, द नंबर ऑफ, आर नंबर ऑफ, अब इनके साथ भी रूल जुड़े हुए हैं, हार्डली स्कार्सली के साथ भी जुड़े हुए हैं, और शुरू हो जाए आपके पास वुड रादर के साथ वर्ब की फॉर्म कौन सी लगती है, वुड रादर के बाद ऑब्जेक्ट आ जाए तो कौन सी फॉर्म लगती है, अब इस तरह करके ये कीवर्ड्स हैं। लेट के साथ हमारे पास क्या क्या सिचुएशंस हैं, ऑब्जेक्टिव केस आता है जी लेट के बाद, और इसके अलावा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। अब ये एक कीवर्ड था ना लेट, जिसने आपको बताया। इसी तरह इफ के हमारे पास 8 रूल्स हैं, और देन के भी 8 रूल्स हैं। अब ये ग्रामर को डील करने का तरीका जो बहुत ही सिंपल है, लेकिन हम उसको कभी भी इस एंगल से नहीं देखते, इस वजह से हमें थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है, अदरवाइज ये कोई मसला नहीं है।
सेकंड सेक्शन में आपको सिर्फ दो चीजें अप्लाई करनी है, पहली कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करके ये चेक करना कि कौन सा रूल वायलेट हो रहा है, और दूसरी ये कि आप एक्सक्लूड करते हैं उन ऑप्शंस को जो कि इरेलेवेंट होते जाते हैं। इसके लिए अटेंटिव रीडिंग चाहिए, और वैसे तो पूरे पेपर की आपकी रीडिंग अटेंटिव होनी चाहिए कि इतनी अटेंटिव हो कि जिस तरह हम क्लासेस में एक रिहर्सल करते हैं और स्टैंडर्ड टाइम होता है 7 मिनट्स एक एमकैट के इंग्लिश सेक्शन को पूरा करने का, जो स्टैंडर्ड टाइम हमारे पास होता है जिसकी ट्रेनिंग मैं स्पेशली साथ साथ लेके चलता हूँ वो 7 मिनट्स है, कि 7 मिनट में 30 MCQs पर सूरत में आपने कंप्लीट करने होते हैं, और उसमें ये सारी चीज़ें उसी ये सारी बातें उसी ट्रेनिंग का हिस्सा हैं। कि जैसे सेक्शन 1 में हमने बात की कि 5 स्टेप्स अप्लाई करने हैं, वैसे तो 5 की ज़रूरत नहीं पड़ती, फर्स्ट 3 पे ही काम सारा हो जाता है, राइट ऑप्शन तक पहुँचा जाता है। और उसके बाद ये जो स्पॉट दी एरर है, इसमें ग्रामर के लिए भी मैं टेक्निक जैसे डिस्कस कर रहा था कि कीवर्ड्स आपको मेमोराइज करने पड़ते हैं, और ज़्यादा नहीं है, 120-130 कीवर्ड्स हैं टोटल इंग्लिश ग्रामर के जो इस एंट्री टेस्ट में रिक्वायर्ड है। इस पे मैं लेक्चर दूंगा और वो एक सीक्वेंस में आपको सारी समझ आ जाएगी कि ग्रामर को आपने डील कैसे करना है। लेकिन अभी चूंकि एक कम्प्रिहेंसिव वे से हम देख रहे हैं कि एमकैट पेपर आपके सामने आए तो किन स्टेप्स पे आपने उसको कंप्लीट करना है, और सेक्शन नंबर 2 में ये बात चल रही। अब मैं कोई भी पास पेपर उठा लूँ, चूँकि अब तो कोई मसला नहीं है, सारे पास पेपर्स हमारे पास हैं, और उसमें किसी का भी 17 का ही उठा लें आप। अब जो मैंने प्रूफ भी किया है कि सबसे ज़्यादा दो चीज़ें आ रही हैं पेपर में, एक तो आपकी इंग्लिश की बुक्स हैं, इंटरमीडिएट की बुक्स हैं जो कि आपको अच्छे तरीके से मेमोराइज करनी पड़ती हैं कि इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं जहाँ से आपका MCQ बन सकता है, और इसीलिए जो इंटरमीडिएट की तमाम बुक्स को, जो बुक 1 है, बुक 2 है, बुक 3 है, और मिस्टर चिप्स को मैंने अपने टीम के साथ मिलके मैंने स्पेशली बच्चों के साथ अटैच रख के उनको कंप्लीट करवाया, उनकी पहले तो ट्रांसक्राइब किया, उनको कन्वर्ट किया उनके टेक्स्ट को, और उसके बाद उनकी हाईलाइटिंग मैंने खुद की बहुत ही केयर के साथ, कि कौन कौन सी, मुझे बीइंग अ टीचर रियलाइजेशन है कि कहाँ पे एक सेंटेंस को कन्वर्ट करके उसमें एक जगह पे तब्दीली करके आपका MCQ बन सकता है। तो इसलिए वो सारा कुछ कंप्लीट हुआ। अब आपके लिए वो एक ब्लेसिंग है कि आप उसको स्टडी करें घर में बैठ के, किसी भी फ्री टाइम में आप इवन ड्रामा देख रहे हों, वैसे तो कोई दिन नहीं है ये ड्रामा देखने के या कोई मूवी देखने के कोई दिन नहीं है, आप फिर भी टाइम निकाल के आपका जो 1 घंटा है इंग्लिश की स्टडी का, उसमें से आप ज़्यादा टाइम उन बुक की स्टडी को देंगे, बुक रीडिंग को देंगे, और वो सॉफ्ट में है, हाईलाइटेड है, 15 मिनट में बंदा एक पूरी बुक को रिवाइज कर सकता है, ये मैं गारंटी से कह। सेक्शन नंबर 3 में वर्टिकल रीडिंग इम्पॉर्टेंट है, टू द पॉइंट ही बात करूंगा मैं फिर भी, कि ऑब्वियसली ग्रामर का सेक्शन है, ग्रामर के रूल्स की इवैल्यूएशन होती है, लेकिन इसकी रीडिंग का मेथड बहुत मैटर करता है। अगर आप यूं फील करें कि एक ही स्टेशन से 4-4 ट्रेन जो हैं वो मूव कर रही हैं, और थोड़े थोड़े वक्फे के बाद उन चारों में से पहले एक कोई और रास्ता ले लेती है, फिर दूसरी कोई और रास्ता ले लेती है, फिर आखिर तीसरी कोई और रास्ता ले लेती है, आखिर में एक बच जाती है और वो अपनी मंजिल तक पहुंचती है। सो इसी तरह इसको पढ़ना पड़ता है, वर्टिकल रीडिंग, और इसमें आप अपने माइंड पे ज़्यादा बोझ नहीं डालते, सिर्फ इतना सा अपने काम से, अपने दिमाग से काम लेते हैं कि वो कौन सी जगह है जहाँ पे एक फिक्रा बाकियों से मुख्तलिफ है, और वो जो प्लेस है वो फिर आप उसको दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं, और वो भी आपका माइंड खुद ही कंपेयर करके डिसाइड कर रहा होता है कि ये इससे बेहतर लग रहा है और ये इससे बेहतर। अब यहाँ पे ये वो वे है कि जो अगर रूल्स के नॉलेज और अवेयरनेस के साथ मिक्स किया जाए तो कोई मतलब इसमें शुबा ही नहीं है कि आप अपने राइट ऑप्शन तक को आसानी से पिक कर लेंगे। इसलिए वर्टिकल रीडिंग में आप जैसे अटेंटिव होके पढ़ते हैं कि मैं कहूँ कि जी पहला डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, मैं ऐसे पढ़ूंगा चारों फिक्रों को और मैं फर्स्ट जगह प्लेस मुझे खुद ही पता लग जाएगी यहाँ पे ये डिफरेंस आया, और वो लार्जली अब किस बेस पे डिफरेंस होता है, और वो मैंने लिखा भी है कि दो चीज़ें आप हर सूरत में प्रिपेयर करेंगे, और ओवरऑल मैं कह दूँ तो 3 चीज़ें आप अपनी
MDCAT vocabulary prepare करते हैं और उसके साथ जुड़ने वाली उनके साथ जुड़ने वाली prepositions भी prepare करते हैं। ये एक बात, और ये phrasal verbs की एक एक shape बन जाती है। phrasal verbs इसके अलावा भी आपको prepare करने पड़ते हैं। second year में जितने भी आपने prepare लिखे हुए हैं हमारी books में, sunshine हो या current वगैरह हो या दूसरी helping books हो, उनमें लिस्ट बनी हुई है phrasal verbs की। मैंने लिखा है कि उनको भी आप डेली की बेस पे प्रिपेयर करेंगे, रिवाइज करेंगे। और इसके अलावा एम कैट वोकैबुलरी के साथ जो जुड़ने वाली प्रपोजिशन हैं वो सबके साथ तो नहीं जुड़ती हैं, 743 वर्ड्स हैं और उनमें से कोई 200 के 250 वर्ड्स हैं जो जो इंपॉर्टेंट हैं, क्रिटिकल हैं, जिनके साथ प्रपोजिशन आपको अटैच करके याद करनी पड़ती हैं। एडजेसेंट टू है जिस तरह, और इसी तरह बहुत सारी दूसरी हैं। और जब आप इनको प्रिपेयर कर लेते हैं तो फिर तीसरी चीज़ आती है और वो है आपकी बुक्स। बुक्स में जो आपके फ्रेजल वर्ब्स हैं, जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं प्रपोजिशन के हवाले से, उनको आप प्रिपेयर करते हैं और तब जाके कोई आप क्या कहते हैं कि आप कॉन्फिडेंस में होते हैं कि अब आपके लिए आसानी है इस पेपर को सॉल्व करने में। दुनिया जहान की ग्रामर नहीं आती है, और ग्रामर के एंड पे अगर टू द पॉइंट बात करें तो वो कीवर्ड्स की गेम जो पहले डिस्कस कर चुका हूँ वो तो आपको आनी ही चाहिए। कंडीशनल्स में जैसे बात हो रही है, मैं कह रहा था कि इफ के 8 रूल्स हैं, कौन कौन से 8 रूल्स हैं कि फिंगर टिप्स पे आप कहेंगे। पहले 3 कंडीशनल आपको पता ही है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। फोर्थ है 0 कंडीशनल है, अब आके ऐड हुआ, वो भी आपने अच्छी तरह मेमोराइज करना। पांचवें नंबर पे प्रेजेंट विश है, छठे पे पास्ट विश है, सातवें पे इफ के कॉम्बिनेशन में कॉमा लार्जली हम यूज करते हैं जब दो क्लॉज को जोड़ रहे हो। और आखिरी हमारे पास है कि थर्ड कंडीशनल की इन्वर्जन का रूल है। ये 8 रूल है, जिस फिक्रे में इफ नजर आएगा फॉरन अटेंडिव होके ये देखेंगे इन 8 में से कोई वॉयलेट तो नहीं हो रहा, और लार्जली इन्हीं 8 में से इफ वाले सेंटेंसेस में कोई ना कोई वॉयलेशन होती। और अब दैन पे चले जाएं, दैन के भी 8 रूल्स हैं, और जैसे सेकंड डिग्री के साथ दैन लगता है, इसके अलावा आप शुरू का गुड रादर दैन और इस तरह कॉम्बिनेशन में भी आप देखते हैं दैन को, और दैन के काफ़ी सारे रूल्स हैं। तो उनको भी किसी जगह पे दैन आ जाए तो वो भी आप फॉरन क्लियर कट वे से देख सकते हैं कि दैन की किस एंगल से वॉयलेशन हो रही है। ये हैं कीवर्ड्स की जो एप्लीकेशंस हैं, और इसी से आप अपने राइट ऑप्शन तक विद इन नो टाइम पहुंच सकते हैं। ये है सेक्शन नंबर 3, और इसमें जो ट्रेनिंग है वो वर्टिकल रीडिंग फाइनल बात में कह दी। अब इसकी आप खुद देखें कि पास पेपर अपने सामने रखें कि प्रैक्टिस करें कि कैसे कम से कम टाइम में राइट ऑप्शन तक पहुँचना, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आप एग्री करें या ना करें, लेकिन जो मेरी रिसर्च कहती है स्टूडेंट्स, इस 2017 के जो कैंसल्ड पेपर के अलावा, यहाँ पे तो फिजिक्स का एक बहुत बड़ा मसला बना था बच्चों को, जिसकी वजह से बहुत हैवी लगा पेपर और मुश्किल हुआ, फिर बाकी जो सेक्शंस हैं उन पे भी उसका असर गया। लेकिन इससे पहले तक जो भी रिसर्च मैं लेता रहा हूँ, बच्चों से पूछता रहा हूँ, तो लार्जली यही 70% तक बच्चे यही कहते रहे कि सर पेपर अटैम्प्ट नहीं कर सके, कम्प्लीट अटैम्प्ट नहीं कर सके। और वो यही इसी चीज़ की ट्रेनिंग पे मैं साथ लेके चलता हूँ डे वन से, कि पेपर को अटेम्प्ट करने का वे भी सीखें और अपने टाइम को मैनेज करना भी सीखें। और उसके लिए क्या रिक्वायर्ड है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो वही अटेंटिव रीडिंग रिक्वायर्ड। अटेंटिव रीडिंग को तक पहुँचना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस बंदे को बार बार पकड़ के खुद को वापस लाना पड़ता है कि भाई इधर बैठो, दुनिया जान की चीज़ें भूल जाओ, ये पेपर सॉल्व करो आप और इसी में इन्वॉल्व हो जाओ, और हर वर्ड के साथ दूसरा आगे तीसरा वर्ड जो जो साथ कनेक्टिविटीज़ हैं उनमें इन्वॉल्व रहोगे तो फिर जाके बात समझ आएगी। अदरवाइज एक एक सेंटेंस को हम चार चार दफ़ा पढ़ते हैं, उसका मीनिंग ही हमें समझ नहीं आता, वजह सिर्फ इतनी सी होती है कि हम अटेंटिव नहीं होते। बहरहाल ये तीसरा सेक्शन है, और फोर्थ सेक्शन है ही वोकैबुलरी का। और फोर्थ सेक्शन में हमारे पास MDCAT वोकैबुलरी, वो जैसे मैंने पहले कहा कि हर वर्ड का के सिनोनिम्स आपको मिनिमम 10 सिनोनिम्स आने चाहिए, और 10 सिनोनिम्स के अलावा आपको उस वर्ड की कॉनोटेशंस यानी उसका सोशल यूजेज के किस किस एंगल से वो यूज़ हो रहा है वो आपको आपको फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। ये भी कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, लेकिन अभी जो चैलेंज इसलिए अपेयर हुआ कि टाइम बहुत शॉर्ट रह गया, कि आपके पास 10 डेज हैं मैक्सिमम, और 10 डेज में आपने इतना कुछ करना है। तो पिन पॉइंट कर रहा हूँ फाइनली मैं बात कि 3 चीज़ें अपने मटेरियल के तौर पे पूरी रखें अपने पास। इंटरमीडिएट की बुक्स और स्पेशली जो मेरे एनालिसिस हैं वो आपके पास हों, ताकि आप एक दिन में एक किताब, तो 4 दिन तो ये हो गया कि आप एक दिन में एक किताब का मतलब है, एक दिन में सिर्फ 15-20 मिनट आपको चाहिए उस किताब को रिवाइज करने के लिए, और वो आप मटेरियल से इजीली कर सकते हैं। इसके अलावा
आपकी MDCAT वोकैबुलरी है, तो मेरी ही बनी हुई प्रेजेंटेशन हैं, PDF में हैं और पिक्चर के साथ जितने मैक्सिमम वर्ड्स हैं आ सकते हैं, लिखती हैं वो, आप देखें दोबारा से देखें उनको। और फिर इसके अलावा पिक्चर भी आपको क्लियर करनी होती है, जैसे अभी मैं कह रहा था फार, तो फार एक वर्ड है जिसके साथ मैंने गोल्फ की पिक्चर लगाई हुई है, तो वो गोल्फ की जो का जो शॉट लगा रहा है पर्सन, तो वो आपको क्लियर कर रहा है कि गोल्फ की एक टर्मिनोलॉजी जो इसका जार्गन है, ये स्पोर्ट्स जार्गन से वर्ड है और गोल्फ में इस्तेमाल होता है ये फार का वर्ड। तो इन केस के ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी, इसके लिए भी टाइम चाहिए आपको। टाइम कितना चाहिए? मैक्सिमम 2 आवर्स फॉर इंग्लिश सेक्शन, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इंग्लिश, ज़्यादा टाइम नहीं है, लेकिन इसमें आप मैनेज कर सकते हैं, आप अपने मेरे जो मटेरियल्स हैं उनको यूज़ कर सकते हैं और बेहतर रिजल्ट्स ले सकते हैं। और तीसरी चीज़ हमारे पास है केमिकल ग्रामर, जो मेरी ही किताब है, और वो भी ग्रामर की तमाम जो जो एंट्री टेस्ट की रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करती है। अगर आपके पास नहीं है तो वो आपको परचेज करनी पड़ेगी, वो एक प्रोडक्ट है इसलिए वो आपको परचेज करनी पड़ेगी, और उसको सामने रख के आप ग्रामर को रिवाइज कर सकते हैं। और अभी जो नेक्स्ट लेक्चर्स होंगे मेरे, वो इसी बेस पे होंगे कि मैं ग्रामर रिवाइज करा दूंगा आपको, एटलीस्ट चले वो बुक नहीं परचेज कर सकते, तो वो जो ग्रामर के मेरे अब लेक्चर्स नेक्स्ट होंगे आपके लिए, स्पेशली MDCATians के लिए और स्पेशली re-MDCATians के लिए, तो वो सुन लें, काफ़ी फायदा होगा। सो जी, थिंक बिग एंड जस्ट स्टार्ट योर जॉब। थैंक यू।